तो गाइस खबर ये है कि FNO के ऊपर, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है, वो भी 30% तक। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, न्यूज़ में बात चल रही है, हर जगह पे बात हो रही है कि 30% टैक्स आ सकता है। ठीक है, आ सकता है इसलिए क्योंकि अभी तक कोई फाइनल मतलब ऑफिशियल जानकारी नहीं है, और सेबी की तरफ से या NSE की तरफ से, किसी एक्सचेंज की तरफ से ये चीज़ नहीं आई है, गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, बस बात चल रही है। तो ये चीज़ें ना लोगों के अंदर डर चला रही है कि 30% टैक्स आ जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि टैक्स जो है 30% वो प्रॉफिट पे देना है, और आपका प्रॉफिट तो ये क्या बात करता है यार। प्रॉफिट पहले कर लो, उसके बाद टैक्स देना। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि FNO ट्रेडर का जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, उन लोगों का कैरियर खत्म है, उन लोगों का अब कुछ नहीं हो सकता। क्या सच में कैरियर खत्म है? क्या है पूरा सच, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। सरकार क्या चाहती है, क्या रिटेल ट्रेडर को लूटना चाहती है या भगाना चाहती है मार्केट से, क्या कर रही है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में, ताकि आपको आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब गाइस देखो, पिछले साल एक डेटा इन लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें बताया था कि 10 में से 9 ट्रेडर जो हैं वो लॉस कर रहे हैं, 90% ट्रेडर लॉस में है, 10% ट्रेडर जो हैं सिर्फ वही पैसा बना रहे हैं। तो अब ये जो ट्रेडर है, ये इन लोगों को कम करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे जैसे नियम लागू कर दिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन को आपको अलग से इनेबल करना पड़ता है। कई बार आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है 6 महीने की, आपकी बैंक स्टेटमेंट के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इनेबल होता है। एंड उसके बाद में आप जब भी अपना ब्रोकर ऐप ओपन करते हो, तो वहाँ पे एक वार्निंग आपको देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है इस तरह से। लेकिन गाइज हम भी टीट हैं, हम कहाँ रुकने वाले हैं, वार्निंग तो वार्निंग सब साइड में जाए, करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही, चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। क्या बात है सर। तो मुद्दे की बात यह है कि सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए समझाने के लिए, हम लोगों को रोकने के लिए कि लॉस ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं। हम लोगों ने भर भर के लॉस किए हैं हर साल की तरह इस साल भी। लेकिन पहले क्या होता था, जो अभी तक हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है ये बिजनेस इनकम में ट्रेडिंग की इनकम काउंट की जाती है, यानी कि आपके जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, जो आपके लॉस हैं, उसको आप सेट ऑफ कर सकते थे, कट ऑफ कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे। लेकिन जो अभी बात चल रही है वो 30% लॉटरी वाला जो टैक्स है, वो टैक्स यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी इनकम होगी, जो भी आप रेवेन्यू वहाँ से बनाओगे ट्रेडिंग के थ्रू, उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो लॉटरी में जो सिस्टम हो रहा है ना अभी, वही चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया। तो अब क्या सवाल ये है कि क्या सच में आ जाएगा, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी जान लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो गाइस देखो, मेरे हिसाब से ना ये जो रूल है 30% टैक्स वाला, ये नहीं आना चाहिए। ये आएगा ना तो मतलब ऐसे ही स्टॉक मार्केट बदनाम है यार, लोग सट्टा बाजार बोलते हैं, और अब तो गवर्नमेंट ही बोल देगी सट्टा है भाई ये, तब तो लोग और ज़्यादा इससे भागने लगेंगे ना। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, और हमारे जो इंडियन एक्सचेंज हैं, जो स्टॉक मार्केट है, वो भी बहुत गंदी तरह से बदनाम हो जाएगी। तो ये स्टेप्स जो है गवर्नमेंट नहीं उठाएगी। अब ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल डाटा जारी किया रिटेल ट्रेडर को रोकने के लिए कि 90% ट्रेडर लॉस में है, 10% लोग ही पैसा बना रहे हैं, यानी कि 10 में से 9 आदमी जो है लॉस कर रहे हैं, एक बंदा ही प्रॉफिट बना रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने भर भर के रिटेल ट्रेडिंग, मतलब जो रिटेल ट्रेडर है वो भर भर के यहाँ पे आए और उन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग करी। ठीक है, सेम चीज अभी भी होगा, अगर आप 30% टैक्स ला भी देते हो, तो जो लोग लॉस कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग थोड़े ना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब इससे ना देखो फर्क, बड़े ट्रेडर जो है, जो बड़े प्लेयर हैं, उन लोगों को नहीं पड़ेगा, पड़ेगा किसको, जो छोटे प्लेयर हैं उनको पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जो बड़े प्लेयर हैं, जो करोड़ों 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं, वो लोग जो हैं वो अभी भी 30% से अबव का टैक्स भर रहे हैं, 30% तक का टैक्स भर रहे हैं, तो उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो अगर आप ये सोच के टैक्स लाने की कोशिश कर रहे हो कि रिटेल ट्रेडर कम हो जाएंगे, नहीं आएंगे, तो फिर सरकार की ये भूल है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो है पहले भी आ रहे थे वार्निंग के बाद भी, और अभी भी आएंगे। अभी आप दूसरी जगह भी देख सकते हो, जैसे सपोज करो ड्रीम इलेवन है, वहाँ पर भी 30% है टैक्स, लेकिन क्या वहाँ पे लोगों ने टीम बनाना छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं, और दबा दबा के ऐड चल रही हैं, दबा दबा के लोग पैसा लगा रहे हैं।
ठीक है, पहले से ज़्यादा विनिंग हो चुकी है वहाँ पे। तो ये टैक्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जिन लोगों को टीम बनानी वो बना ही रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पे आपने 30% का टैक्स लगा दिया, वहाँ पे क्या लोगों ने ट्रेडिंग बंद कर दी? नहीं, वहाँ पे भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है जी। बस ये है कि टैक्स लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना, जिसको करना है वो तो बंदा करेगा ही करेगा। अब अगर 30% का टैक्स आ भी गया ना, तो लोग स्टॉक मार्केट से भागेंगे क्रिप्टो में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी 30 देना है, यहाँ पे भी 30 देना है। तो वहाँ पे इसलिए लोग भागेंगे क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉलीटिलिटी ज़्यादा है इसके मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ से लोग भागेंगे एंड सरकार ये चीज़ कभी नहीं चाहेगी। अब गाइस देखो, मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे क्या लगता है, मेरे जो थॉट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 30% का टैक्स नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि STT या कोई दूसरा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं कि अभी जैसे थोड़ा बहुत लग रहा है टैक्स, तो वो उस टैक्स को बढ़ा के 15% तक कर दें, ठीक है, 22% तक कर दें, 20% तक कर दें, इस तरह से थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन 30% तक नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़। तो लोगों को ये 30 दिखा दिया है बड़ा, आप 30 की जगह अगर 10, 12, 15, 20 कुछ भी कर देते हैं तो लोगों को लगेगा यार 30 तो नहीं किया ना, 15 ही किया है। तो इस वजह से लोग भी ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। बाकी देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, क्या होता है, नहीं होता है, अभी तक मैंने बताया ना ऑफिशियल जानकारी नहीं है, बस न्यूज़ में ये चीज़ें बात चल रही हैं। अब गाइस आपके लिए बात ये है कि आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसको छोड़ के आप स्विंग ट्रेडिंग में धीरे धीरे स्विफ्ट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग वाले धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में स्विफ्ट करो। मतलब ये है कि अपना एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, नहीं हो रहा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में आप भले ही पैसा बना रहे हो, खो रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पैसा अच्छा खासा बनाओगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है टैक्स को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।